ये 20 नंबर फ्यूज है, ये आगे प्लाउ लैंप मतलब पीछे आगे हेडलाइट का है ये, और ये भी आगे हेडलाइट का है, ये हाफ है ये फुल है। ये जो है इंडिकेटर चारों और दहना बामा इससे इंडिकेटर चलता है। और ये जो है आपका 5 नंबर फ्यूज, ये आपका पार्किंग लाइट है जो इसको बोलते हैं मीटर लाइट। देखिए ये जल गई। और ये है चार्जिंग बत्ती, आयल मीटर और सब मीटर के कनेक्शन है, जिससे ये 5 नंबर है बीच वाला। ये है 15 नंबर फ्यूज, ये हारन का है। और ये जो है 5 नंबर, इसी से ब्रेक स्विच का भी कनेक्शन जाता है। अब ये आपका इधर आइए, हो गया है डीजल मीटर। क्या हो गया है डीजल मीटर, देखिए उठ गया है, चाबी ऑन है, अब उठा हुआ है, चाबी ऑन है, ये डीजल मीटर उठ गया। अब इसको हम चाबी ऑफ कर देते हैं, ये गिर जाता है। इसमें देखिए ये है, इसमें है स्पीड मीटर और घंटा मीटर। ये नीचे वाला घंटा मीटर है, ये ऊपर वाला स्पीड मीटर है, जिससे ये एंटीनेटर से ही सप्लाई है पूरी। अब ये हमने चाबी ऑन कर दिया, तेल मीटर उठ गया, ये आपका घंटा मीटर बताने लगा, ये टेम्परेचर मीटर है। इसके बाद ये चारों इंडिकेटर हो गया, जिससे देखिए लाइट जल रही है सब पीछे। अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं। अब ये हो गया है बायां इंडिकेटर, अब हम कर दे रहे हैं दाहिना इंडिकेटर। ये जो पी लिखा हुआ है, ये है ब्रेक लाइट। जब आपकी ब्रेक लाइट उधर जलेगी, ब्रेक मारने पर, तब ये लाइट जल जाएगी। और इसके बाद अब ये आ जाइए मीटर पे, ये आपका मीटर लाइट जल गया। इसके बाद ये आगे हेडलाइट जल गया, इसके बाद ये फुल हो गया, फुल पे देखिए नीली बत्ती जल गई। इससे आप देखिए ये है हाफ और ये है फुल, देखिए नीली बत्ती जल गई। और ये वाला तार आप देख रहे हैं, इससे जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं चाबी पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे जाता है, तो इसमें करंट आता है। और ये बैटरी वायर हो गया है मेन, ये हो गया है मेन सप्लाई वायरिंग की। ये यहीं चला आया है फ्यूज 40 नंबर A40A, ये हो गया नीचे बैठो। आप इसको देखिए, ये पीछे प्लाउ लैंप का फ्यूज जी, जिसके अंदर ये लगे हैं फ्यूज, ये फ्यूज उड़ जाएंगे तो पीछे प्लाउ लैंप की लाइट बंद हो जाएगी, ये नहीं जलेगा। ये हो गई साकेट आपकी, 8 तार की साकेट हो गई है, जिसमें ये इंडिकेटर का भी तार है, प्लाउ लैंप का भी है, और ब्रेक लाइट का भी है, पार्किंग का है, इसके बाद ब्रेक स्विच वाला भी है। इतना कनेक्शन इसके अंदर आया हुआ है, इससे आप छटकाना चाहें तो इसे छटका सकते हैं, इधर की वायरिंग इधर निकल जाएगी पूरी। अब ये आपकी सर ऑयल प्रेशर स्विच है, जिसको आप ये मोबाइल बताता है, ये जब मोबिल जब इट्टी ख़राब हो जाती है तो ये जो ऑयल प्रेशर वाली बत्ती है बंद हो जाएगी। इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको आप किसी बॉडी में, ट्रैक्टर के बॉडी में कहीं टच कराइए, अगर बत्ती जल जा रही है तो ठीक है, और नहीं जल रही है तो इस टी को आप बदल दीजिए। यहाँ पे हॉर्न, हॉर्न में एक तार डायरेक्ट आता है चाबी से करंट का, और एक तार अर्थिंग का आता है, जिससे बटन जो है दबाने पे जो हॉर्न बोलता है, ये आपकी अर्थिंग से बोलता है, फेस से नहीं बोलता, ये डायरेक्ट रहता है करंट। हाई, ये हाई और लो की स्विच,
जब तक ये हाई लो आप नहीं करेंगे तब तक गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। हाई लो जब तक ले आप नहीं करेंगे तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं, ये है हाई। इसके बाद ये आ गई है स्विच हाई लो वाली, ये आप देख रहे हैं। पीछे एक और भी सिस्टम दिया गया है इसके पीछे, जिसमें ये बताया जाता है कि इसमें एक टाली का भी कनेक्शन किया जा सकता है इससे। ये देखिए, और इसमें जो है एक तार और आए हुए हैं, ये चाबी से करंट का आता है, जिससे कि आप इमरजेंसी में कोई लाइट या बाजा वगैरह कुछ भी आप इससे चला सकते हैं। और ये आपकी अर्थिंग हो गई है, इस अर्थिंग का जो तार टूट जाएगा तो ना इंडिकेटर जलेगी, आप इंडिकेटर जलाएंगे तो ब्रेक मारेंगे तो लाइट जो है डिम हो जाएगी, कहीं इंडिकेटर जलेगा कहीं जो है पार्किंग जल जाएगी। इससे बहुत ही मतलब इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये आपकी प्लाउ लैंप हो गया, जिसमें प्लाउ लैंप की वायरिंग ये आई हुई है। आप यहाँ से सॉकेट इसको आप जो है निकाल देंगे यहाँ से, तो इसकी वायरिंग इधर किनारे हो गई। ये आपकी एक मेड गार्ड की वायरिंग हो गई, इसका कोई आपको वायरिंग जैसे जल गई कुछ हो गया है तो इसको आप निकाल सकते हैं बनाने के लिए। बाएं हाथ की इस वायरिंग में जलने के बाद जो है 8 तार की साकिट है, इसको आप जो है इसको जो है वहाँ से निकालेंगे तो ये जान लीजिए कि इस पटरी की वायरिंग पूरी निकल जाएगी। तब मेट गार्ड की वायरिंग यहाँ छटका देंगे तो बाएं हाथ से पूरा निकल जाएगा।